वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो ये व्लॉग है, ये व्लॉग जो है ये किसी नई चीज़ के बारे में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि मेरे बहुत सारे भाई फेस करते हैं। चाहे वो नई गाड़ी खरीदे या पुरानी गाड़ी खरीदे, उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और वो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारी ये सेंटर लॉकिंग वाली चीज़ है ना, अगर इसको आप अनलॉक करते हो अनलॉक हो जाएगा, लॉक करोगे लॉक हो जाएगा। सो जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है इसमें। एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखो। सो गाड़ी को जब अनलॉक किया ना, अनलॉक हो गई गाड़ी। सो ये खुल ही नहीं रहा है, बाकी सारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। और इसमें दिक्कत किस चीज़ में आती है, जो अंदर का गुच्छा होता है ना, जो लॉक होता है बेसिकली, वो फंस जाता है। और इसका काम बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, जिसको आता है उससे मैं आपको मिलवा दूंगा। और सही बता रहा हूँ, मैं दो दिन से परेशान हो रखा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी सही से चला नहीं पा रहा था। सो फाइनली मेरे को टाइम मिला कि मैं करोलबाग आके इसको सही करवा लूँ। सो आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत आती है, और बहुत सारे लोगों को आती है। और अगर किसी अनाड़ी बंदे के पास जाओगे तो वो एक ही बात बोलेगा कि भाई पूरी सेंटर लॉकिंग में कोई दिक्कत आ गई है, लेकिन ये इससे नहीं होता है। कैसे होगा, कैसे आपने करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुसाफिर के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस, आपको एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें दिक्कत जो आती है ना, ये जो आप लॉक देख रहे हो, ये लॉक हो गया बहुत ज्यादा टाइट, ठीक है। सो ये लॉक टाइट होने के बाद दिक्कत क्या आती है कि ये फ्रीली काम नहीं कर रहा है, तो अंदर का जो गुच्छा है, ये दिक्कत क्या होती है इसमें जो होती है भैया, ये गुच्छा आपका टाइट होता है, जिसकी वजह से ना आपका अंदर से लॉक या बाहर से लॉक खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। ये फिर मुझे पूरा गत्ता खोलना पड़ेगा, ठीक है। गत्ता खोलने के बाद मैं आपका ये गुच्छा सेट निकालूंगा, ठीक है, उसको रिपेयर करके और उसमें नई मोटर डाल करके वापस फिट करूंगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को लास्ट में सब चीजें इसमें बता दूंगा क्या कॉस्टिंग लगी। यहाँ पर अपना ट्विटर भी लगा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। इसी के साथ में फ्री जो चलने वाली चीज होती है वो कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे आपके लॉक है नॉर्मली, सो ये लॉक अनलॉक इतना फ्रीली होना चाहिए, जो कि उधर बहुत टाइट है। सो भैया को एक बार गत्ता खोलने देते हैं। आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो आपका साइड वाला ये पैनल है ना, ये वाला पैनल खुल जाता है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद साइड से गत्ता खोला जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है गत्ते को खोलने में, क्योंकि अभी देख रहे हो पूरा बंद हो रखा। अगर ये गत्ता खुला हो तो इजिली निकाला बाहर जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा गत्ता जो है परफेक्टली खुल चुका है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। यहाँ से भैया पावर विंडो वाली जो तार है वो हटा देंगे। यहाँ पर अपने ट्विटर वाली तार आ रही है, एक बार देख लो नीचे, इसकी नीचे वायरिंग की हुई है। सो भैया इसमें क्या चीज निकालोगे आप, जो इसमें निकाली जाती है बाहर? ये सॉकेट निकालूंगा। ये सॉकेट निकाल दोगे, ठीक है। ये तार अलग कर दूंगा, ये तार अलग कर दो, ये गत्ता पूरा बाहर निकाल दोगे उसका। गाइस एक बार गत्ता भैया बाहर निकाल दे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट चीज जो है, आप लोगों का गत्ता उतर के बाहर निकल चुका है। इधर आप भैया को देख रहे होंगे, एक चीज को भैया ऊपर ओपन कर रहे हैं। तो भैया क्या चीज होती है ये? यही लॉक सेट आपका, ये लॉक सेट खोल करके ना मैं आपके जो अंदर मोटर है उसको लूज कर दूंगा। मोटर को लूज कर दोगे, जिससे फ्री हो जाएगा, ये लॉक फ्रीली चलने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें मोटर को भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम नई मोटर खरीदे तो उसका क्या कॉस्टिंग रहती है, अगर ओरिजिनल खरीदे तो? नहीं खरीदेंगे, ओरिजिनल खरीदेंगे आप भैया, ये 1600 से 1700 रुपए का कॉस्ट पड़ती है, और रिपेयरिंग में उसकी जस्ट हाफ हो जाती है कॉस्टिंग। हाँ। तो गाइज ये आप लोग सोच सकते हैं, मैं रिपेयर करा रहा हूँ, मैं नया नहीं डलवा रहा हूँ, क्योंकि भैया ने कहा है रिपेयर करा के ओके रिपोर्ट चलने लग जाता है। तो एक बार भैया को ये खोलने देते हैं, बाहर निकालते हैं और दिखाता हूँ कैसा दिखने में। तो गाइज करीबन हमें 15-20 मिनट लगे पूरी चीज को खोलने में, क्योंकि अंदर वाला बहुत ज्यादा लॉक था। तो भैया इसमें क्या क्या चीज आपने खोली, एक बार पहले बता दो। मैंने एक ये पेज खोला है, ठीक है, एक इसके ऊपर का पेज खोला है, ठीक है, एक नीचे का पेज खोला। ये तीन पेज आपने खोले, और भैया ने ये भी कहा था कि अगर ये पेज ना खोले बाई चांस तो एक छेद करना पड़ सकता है हमें, लेकिन हमें नहीं जरूरत पड़ी। अब यहाँ से क्या खोल रहे भैया? ये तीनों पेज खोलूंगा, ठीक है, उसके बाद गुच्छा बाहर आ जाएगा, ये पूरा गुच्छा बाहर आ जाएगा। तो एक बार आपको दिखा दूंगा गुच्छा बाहर निकलने का कैसा दिखता है। ये तीनों नट खुलेंगे, और आपको बता देता हूँ, अगर आपका कभी भी ऐसा आपको लॉकिंग में कोई दिक्कत आ रही है या आपकी गाड़ी पुरानी हो गई तो ये इशू आना बहुत नॉर्मल चीज है। तो एक बार इसको खोल देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये तीनों के तीनों नट खुल चुके हैं, जो आप लोगों को भैया ने दिखाए थे। इसके बाद जो गुच्छा है वो आपको बाहर निकाल के दिखा देते हैं, कैसा दिखता है गुच्छा भैया एक बार दिखा दो। और ये भैया वही है ना जो कंपनी से आता है? हाँ, कंपनी से आया हुआ गुच्छा है। इसमें क्या क्या चीजें भैया आप निकाल लोगे और क्या क्या चीजों में काम होगा? ये प्लास्टिक का कवर निकाल दूंगा जो इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब ये पूरा गुच्छा भी खोलूंगा, इस गुच्छे को आप खोलेंगे पूरा और इसको फिर रिपेयर करेंगे। सो हमारा स्टेप स्टार्ट चुका है अपना गुच्छा खोलने का। तो आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग भी इन चीजों को प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो इसका यही वो नहीं है कि आप नई मोटर डलवा लो, क्यों भी अगर कोई ज्यादा जरूरत ना हो तब तक मोटर ना डलवाए ना। नई मोटर डलवाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जो रिपेयर करो ना मैं, हाँ, तो नहीं से ज्यादा काम करेगा, नहीं से ज्यादा काम करेगी। ये चीज आप लोग ले लो, वर्डिट है लास्ट में भैया के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा थोड़ा, तो आप एक बार देख लीजिए। इसको भैया खोलेंगे, कितने नट होते हैं भैया इसमें जो खोलने होते हैं? सारे नट खोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भैया को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में इसको खोलने देते हैं और उसके बाद अंदर का मैं आपको माल दिखाता हूँ। भैया यहाँ पर अब इसको आपको ऊपर से दिखा देंगे खोल के, तो देखो अंदर से कुछ दिखने में ऐसा सा आपको दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा लेकिन भैया आपको समझा देंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली यही मोटर होगी भैया, और इसी मोटर को रिपेयरिंग का काम होगा। इसके साथ ये क्या होता है भैया, गरारी है? ये गरारी है, ये गरारी है। सो बेसिकली जिससे खुलता है आपका वो चीज़ का इसमें आपको दिख जाएगा।
तो इसमें भैया मोटर में क्या रिपेयरिंग होते हैं, जो अगर रिपेयरिंग देखते हैं तो? मैं इस मोटर की जगह दूसरी मोटर डाल दूंगा। अच्छा, इस मोटर की जगह दूसरी मोटर डाल देंगे तो वो इतने पावर की होगी? हाँ, इतने पावर की होगी और इसको चला लेगी वो। हाँ। और कोई दिक्कत इसके अंदर होती है? नहीं नहीं। तो गाइस देखो, केवल एक इतनी छोटी सी चीज है जो इसके अंदर चेंज होती है, और आपसे लोग कहते हैं कि नहीं भाई आपका पूरा लॉक सेट खराब हो गया, नया लॉक सेट डलवा लो। तो यार ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब अपने साथ दिक्कत आती है ना तो मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये भी चेक हो चुका है, तो इसको भी परफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर इसको आप खुद फील करके देखोगे ना, हाँ ऐसे करके टक करके टक, यानी कि ऐसे लॉक अनलॉक वाला चीज़ें ढीला हो गया था, तो ये परफेक्टली बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसका जो काम है वो इस मोटर के साथ होता है, तो इस मोटर को चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ। तो गाइज इसके बाद जो हमारी मोटर डल रही है वो मोटर कुछ ऐसी दिखने में है, और ये आर डी कंपनी की मोटर है। तो भैया एक चीज़ बताओ, जो ये मोटर है ये इतनी बड़ी क्यों, और पहली वाली छोटी क्यों थी? भैया पहले वाली अंदर फिट थी। अच्छा, ये हमारी अंदर फिट नहीं है, बाहर फिट होगी ना, तो इसको पूरी पैकिंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, पूरी पैक हुई आती है और यहाँ लग जाती है। यहाँ पर लग जाती है। अगर हम लोग पूरा नया वाला सेट लेते हैं तो उसमें भी ऐसी आता है? हाँ, जो पूरा अगर पूरा लेंगे। तो गाइस आप लोगों को भैया ने दिखा दिया, इसके बाद इसकी फिटिंग देख लो आप, कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होती है। तो ये कहीं बाहर बाहर तो कुछ नहीं दिखता ना, गत्ते के अंदर ही रहेगा सब कुछ। देख लो इसकी यहाँ पर भैया प्लेसमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद किया जाता है जिससे ये यहाँ पर अटक सके। देख लो, तो यहाँ पर इसको फंसाया जाएगा और ये परफेक्टली फट जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि चलते वक्त कोई दिक्कत करेगा। बाकी उस अगर कोई दिक्कत आती है तो भैया यहाँ पर बैठे हुए ना भैया, कोई दिक्कत आती है तो। सो जो आप ये मुड़ी हुई चीज़ देख रहे हो, ये पूरी एक स्टिक थी जो लंबी सी थी, तो भैया ने इसको एक यहाँ पर एक मोड़ दिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखो ये परफेक्टली यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद भैया जो ये मोटर है, अच्छा ये पूरा सस्पेंशन की तरह काम कर रही है, जैसे गाड़ी का सस्पेंशन होता है वैसे काम कर रही है। तो और कितना देर लगेगा इसमें होने में? बस हो गया, हो गया, ओके, रिपोर्ट हो चुका है। तो आप लोगों को एक बार चेक करा दूंगा सब कुछ कैसा चल रहा है। सो गाइस इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूं कि इसकी परफेक्शन कितनी आती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मोटर देखी थी, वायरिंग यहाँ पर परफेक्ट लग चुकी है, कुछ भी वायर कटिंग नहीं हुई है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था लॉक और अनलॉक वाला, सो अनलॉक में अभी अनलॉक्ड है, सो आप देख सकते हो लॉक में परफेक्टली ये काम कर रही है। गाड़ी बंद होने के बाद भी आपको दिखा दूंगा। स्टिल आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आरडी वाली मोटर लगी है, सही ओके रिपोर्ट वाली मोटर है। और अगर आप में से किसी को भी अगर अपनी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग लगानी है तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जल्दी एक सेंटर लॉकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि ऑटोकॉप की लगवाए या किसी और कंपनी की भी लगवाए, तो इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगा। तो भैया ये जो वायरिंग है ये लगा दिया अपने वापसी, देख लो पूरी परफेक्ट टाइट यहाँ से हो चुकी है। अब इस गत्ते को करते हैं बंद और उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। तो गाइज अब टाइम है कि मैं आप लोगों को पूरा लास्ट भी दिखा दूंगी कैसा है। तो अभी गाड़ी जो है हमारी लॉक हो रखी है, ठीक है, आप लोगों के सामने इसको अनलॉक करते हैं, और ये हो चुका है बिल्कुल ओके रिपोर्ट। और ओके रिपोर्ट हो गया ये केवल 800 रुपये में। और अगर आप में से कोई भी आ रहा है भैया से करवाना है, एक बार नाम नंबर बता दो भैया अपना। 9310376104। तो आप लोगों को भैया ने नंबर बता दिया, कभी भी कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो भैया यहाँ पर है। सेंटर लॉकिंग का काम भी करते हैं भैया, है ना, सेंटर लॉकिंग के काम के लिए भैया को, पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग के काम के लिए भैया के पास आ जाना। क्या नाम है भैया आपका? विकास भाई नाम है, बढ़िया बंदे हैं और एक नंबर का काम करते हैं। तो आज की वीडियो मैं चाहता था कि आप लोगों को बिल्कुल जागरूकता वाली वीडियो बने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये खराब हो गया तो पूरी नई चीज़ डलवा लो। गाइस हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन ना हो तभी आप ओरिजिनल चीज़ ले जाओ, नहीं तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे फिक्स होते हैं। एंड अगर आज के वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव रही हो, जिन भाइयों की पुरानी गाड़ी थी या जिनकी नई गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है, स्पेशली क्रेटा और डस्टर में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों ने नई मोटर लगा देते हैं उसके बाद, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है। 800 रुपये आप लोगों ने स्पेंड करने हैं और एक नंबर की आपकी ये मोटर हो जाएगी, और आप लोगों का पूरा लॉक वाला सिस्टम बढ़िया चल जाएगा। इसी के साथ में गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्टिंग वाली रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। सब्सक्राइब तभी करना है अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये कंटेंट आपके मतलब का है और आप लोग कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकते हो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811, यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आकाश जोशी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग का आज ये संडे के बाद वाला जो दिन है वो अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड